अंजना, क्या तुम भूल गई? ऋषि वर्मतंग ने कहा था कोई स्वयं ही आएगा हनुमान को इस स्थिति से उभारने के लिए। किंतु ये तो उभारने के स्थान मेरे पुत्र को मुझसे छीन लेना चाहते। हनुमान को स्वस्थ करना है तो यहीं पर कीजिए जैसे पूर्व काल में किया था। उसे यहां से ले जाने की क्या आवश्यकता है? अंजना, यदि कोई संकट होता तो ऋषिवर मतंग हमें पहले ही अवगत करा देते। हनुमान को स्वस्थ करने के लिए हमें यह त्याग करना होगा, अन्यथा यदि हनुमान अस्वस्थ रह गया तो क्या होगा? ठीक है वैद्यराज, ले जाइए हनुमान को। किंतु मेरे पुत्र के साथ ही मुझे भी साथ लीजिए। यह कदापि संभव नहीं है महाराज। देवी, आप तो एक माँ की पीड़ा का आभास कर सकती हैं। आप समझाइए वैद्य जी, कोई माँ अपने पुत्र के बिना कैसे रह सकती है? पिशाचराज, रावण को तुम्हारी आवश्यकता है, प्रकट हो। प्रणाम लंकेश, आपने मुझे स्मरण किया, अवश्य ही कोई विशेष कार्य होगा। पिशाचराज, तुम्हारा प्रिय कार्य है पूजा और यज्ञ में विघ्न डालने का। वही करना है तुम्हें। अयोध्या जाकर वहां पर होने वाले यज्ञ को विध्वस्त करना है तुम्हें, और फिर अयोध्या नरेश के ज्येष्ठ पुत्र का अपहरण करके उसे यहाँ लंका में लेकर आना है। बस इतना सरल कार्य? सरल कार्य नहीं है ये। सरल कार्य समझने की भूल ना करना इसे। दशरथ का ज्येष्ठ पुत्र महाछल्य नर रूपी नारायण है। वो छल और बल से कभी भी तुम्हें दुविधा में डाल सकता है, इसलिए सावधान कर रहा हूं मैं तुम्हें। आपका कार्य हो जाएगा लंकेश। अमावस्या की काली रात्रि काल बनकर आएगी अयोध्या के लिए, और उसी रात महाआक्रमण होगा अयोध्या पर। ओम अग्नये स्वाहा, ओम यज्ञ देवाय नमः।
वाह, राजन, कौशल कुमारी, आप दोनों ने संकल्प कर अपने कर कमलों से यज्ञ आरंभ कर, अब आप राजकाज हेतु उठ सकते हैं। आगे की विधि के लिए आवश्यकता पड़ने पर आपको पुनः बुला लिया जाए। बस आपको यज्ञ संपन्न होने तक अहिंसा के प्रण का पालन करना होगा। जैसे आपकी आज्ञा गुरुदेव। मात्र मैं ही नहीं, संपूर्ण अयोध्या इस वचन का पालन करेगी। प्रणाम गुरु। कल्याण। ये यज्ञ सफल नहीं होने दूंगी मैं। राम कभी भी युवराज नहीं बनेगा। अर्थात आप सब में कोई भी ऐसा नहीं है जो मेरी पीड़ा समझ सकता है। आप सबको मेरी पीड़ा दिखाई नहीं देती। किंतु मैं जानती हूं है कोई ऐसा जो मेरी पीड़ा समझता। जिसने सदैव मेरे दुख हरे। महारानी जी, आप जो कर रही हैं सोच विचार कर ही करें। मान जाओ अंजना। क्या कोई और उपाय नहीं है स्वामी, जिससे माँ की ममता भी आहत ना हो और हनुमान स्वस्थ हो जाए? नहीं देवी, हनुमान की इस व्याधि का एक ही उपचार है और इस उपचार के लिए उसे यहां से लेकर जाना ही होगा। महारानी जी, आपके वचन निभाने में ही हनुमान की भलाई है। आप सब तो रहने ही दीजिए, मेरे हनुमान का भला मेरे महादेव करेंगे। द्वारिका जी, माँ के लिए इससे बड़ी दुख की बात और क्या हो कि उसे अपने पुत्र को सदा के लिए स्वयं से दूर भेजना पड़े। किसका क्या कर्म होगा, कौन कब किस पथ का अनुसरण करेगा, ये सब नियति ही निर्धारित करती है। इसीलिए यदि नियति ने हनुमान को राम से मिलाने का, उनके साथ रहने का विधान किया है तो ये होकर ही रहेगा। प्रिय, हनुमान को अपने परिवार, प्रजाजनों और सुमेरु को छोड़कर जाना ही पड़ेगा। हे करुणा निधान, हे दया के सागर, दया करिए प्रभु, मेरे जीवन दीप की ज्योति है मेरा हनुमान, मेरे हृदय का प्राण है हनुमान, उसे पूर्व की ही भांति सामान्य कर दीजिए, जिससे कि मुझे हनुमान को वैद्यराज जी के साथ न भेजना पड़े। कृपा करिए प्रभु, कृपा करिए। राम।
देवी अंजना, वनराज केसरी, भूत भवन भगवान शंकर और माता भवानी का संदेश लेकर आपके पास आया हूँ और उन्होंने अपने आशीर्वाद के रूप में ये प्रसाद भेजा है। हे करुणा कर, हनुमान आपका ही आशीर्वाद है मेरे लिए। यदि इसे इस भांति ही जाना था तो आपने इसे मुझे दिया ही क्यों? हे प्रभु, आपको इस भक्त की गुहार सुननी ही होगी। मेरे पुत्र को स्वस्थ कर दीजिए, स्वस्थ कर दीजिए मेरे पुत्र, कृपा कीजिए, स्वस्थ कीजिए मेरे पुत्र को, ठीक कीजिए उसे। मैं अपने पुत्र का दान नहीं कर सकती। मेरे पुत्र को स्वस्थ करना ही होगा। मेरे पुत्र को स्वस्थ कर दीजिए। अब उस नारायण के नर अवतार का अंत निकट है। देव घातक एक अग्नि अस्त्र प्रकट हो। आपका ही आशीर्वाद है महादेव कि आज आपके रावण के पास देव घातक एक अग्नि अस्त्र है और इस अस्त्र की प्रथम भेंट आपके चरणों में समर्पित है। बस इतना आशीर्वाद प्रदान करें महादेव कि जिस कार्य को संपूर्ण करने के लिए इस अस्त्र का निर्माण हुआ है वो सफल हो। बोलिए नाना श्री, क्या समाचार लाए हैं आप? लंकेश, पिशाचराज अपनी समस्त सेना के साथ नारायण के नर अवतार का अपहरण और निरुति यज्ञ को भंग करने के लिए निकल पड़े हैं और शीघ्र ही वे सब अयोध्या नगरी को घेर लेंगे। उत्तम, अति उत्तम, सर्वोत्तम। असुरों को तो हमेशा रोक लेते हैं सब, परंतु पिशाचों को कैसे रोक पाएंगे? राजा दशरथ, अब तुम्हारा और तुम्हारी अयोध्या का विनाश निश्चित।
उचित है। हे देवाधिदेव, मैं अपने पुत्र का दान नहीं कर सकती। आप मेरे पुत्र को स्वस्थ कर दी। हनुमान, हनुमान, क्या चाहती हो तुम कौशल्या? तुम्हारे उतावलेपन से राम के भविष्य का नाश हो जाएगा। बापी, मैं तो मात्र इतना चाहती हूँ कि राम इन दिनों अत्यंत विचलित एवं उदास रहने लगा है। हमें सर्वप्रथम उसके स्वास्थ्य के विषय में सोचना चाहिए। किंतु यज्ञ के समापन के विषय में भी हमें सोचना है। तुम्हें स्मरण नहीं, कुलगुरु वशिष्ठ ने क्या चेतावनी दी थी? यदि यज्ञ में कोई बाधा आ गई तो राम कभी युवराज नहीं बन पाएगा। परंतु स्वामी, राम का इस प्रकार विचलित रहना भी तो राम के स्वास्थ्य के लिए उचित नहीं। तुम चिंता मत करो, राम शीघ्र स्वस्थ हो जाएगा। मैं कुछ करता हूं। सुनना सबका करना मन का मंत्र यही है मंथरा का, यही है अवसर ज्येष्ठ रानी जी से बात करने का। ज्येष्ठ रानी जी, प्रणाम। ज्येष्ठ रानी जी, कहो मंत्रा। असत्य बात आए तो जीवा कट जाए, पुत्र ही तो सब कुछ है। ज्येष्ठ रानी जी, पुत्र को ही कुछ हो गया तो सब कुछ व्यर्थ है। यज्ञ के पूर्व राम का उपचार ही आवश्यक है। किंतु महाराज की इच्छा भी तो नहीं डाल सकते। माता पिता का कर्तव्य होता है संतान के वर्तमान और भविष्य को संवार। महाराज की दृष्टि राम का भविष्य सवारने पर, और मैं राम का वर्तमान सवारने का प्रयत्न कर रही हूं। तुम सुधारती रहो पटरानी, बिगाड़ने के लिए मैं शीघ्र ही कुछ करूं। हनुमान, हनुमान कहाँ है? कहाँ है मेरा पुत्र? यही तो था तुम्हारे पास। हनुमान, हनुमान, में मुझे छोड़कर। अंजना, संभालो स्वयं को, यही कहीं होगा हनुमान। हनुमान, 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 हनुमान। राम
श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री